गुड मॉर्निंग, आई लव यू। क्लास 9th यूपी बोर्ड। देखिए, हम लोग पढ़ाए थे हिंदी नहीं, संस्कृत खंड, हिंदी का संस्कृत खंड। उसको आज 5 चैप्टर पढ़ चुके हैं। आज छठा चैप्टर है आपका, षष्ठा पाठा, यानी छठा पाठ, पार्ट 6। ये कृष्ण गोपाल नंदना, कृष्ण गोपाल नंदन यानी श्री कृष्ण के बारे में। श्री कृष्ण के बारे में आप सब लोग जानते ही हैं, पढ़े ही, इसमें ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत तो है नहीं। महाभारत देखे होंगे, श्री कृष्णा देखे होंगे, है ना, राधा कृष्ण देख ही रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा आइए देखते हैं। पढ़ लीजिए चैप्टर अपना। आप देखिए क्या दिया है। सुविदित मेयो, देखिए शुरू से सब देखिए बुक में। सुविदित मेयो श्री कृष्ण लोकोत्तरे महापुरुष आसी। सुविदित मेयो श्री कृष्ण लोकोत्तरे महापुरुष आसी। सुविदित मेयो माने होता है भली भांति ज्ञात है, भली भांति ज्ञात है या जानते हैं, अच्छी प्रकार से हम जिसको जानते हैं, जिसके बारे में। लोकोत्तरो माने अलौकिक, लोकोत्तरो माने अलौकिक। देखिए सुविदित श्री कृष्ण लोकोत्तरे महापुरुषा आसी, यह भली भांति ज्ञात है, यह भली भांति पता है कि श्री कृष्ण अलौकिक महापुरुष थे। श्री कृष्ण अलौकिक महापुरुष थे। अयम महापुरुषा सत्रभ्येभ्य वसेभ्य प्राग उत्पन्नी अदापि जननाम हृदयेषु विराजमाना अस्ति। अयम महापुरुषा सहस्त्रेभ्य वसेभ्य प्राग उत्पन्ना अदापि जननाम हृदयेषु विराजमाना अस्ति। क्या कह रहे हैं, कहेंगे हजारों वर्ष, सत्रेभ्य माने हजारों वर्ष, हजारों वर्ष पहले उत्पन्न हुए यह महापुरुष आज भी मनुष्यों के हृदय में विराजमान है। यानी क्या करें, करेसिया हम लोग करें या भली भांति या जानते हैं कि श्री कृष्ण अलौकिक महापुरुष थे। हजारों वर्षों पूर्व या हजारों वर्ष पहले उत्पन्न हुए यह महापुरुष आज भी मनुष्यों के हृदय में विराजमान हैं। देखिए आगे, श्री कृष्ण से मातुल्य कंस अत्याचारी शासका आसी। मातुल माने मामा, मातुल माने मामा। श्री कृष्ण का मामा कंस अत्याचारी शासक था, ये तो जानते ही हैं। श्री कृष्ण का मामा कंस अत्याचारी शासक था। सपूर्व स्वभगिना देव कन्या श्री वसुदेवेन सह विवाहम अकरोत। क्या किया उसने, स्वभागिन्या माने होता है अपनी बहन का, स्वभागिन्या, भागिन्या माने होता है बहन, स्व माने अपनी, यानी अपनी बहन का। कह रहे कि उसने पहले अपनी बहन देवकी का विवाह वासुदेव के साथ किया। स्वपुर स्वभिन्ना देवकन्या देवक्या श्री वासुदेवेन सह विवाहम अकरोत। उसने अपने पहले अपनी बहन देवकन्या का विवाह वासुदेव के साथ किया। तथा आकाशे घटा टोपा मेघा मुसलधारा वर्षा कुर्वन। बाद में आकाशवाणी सुनकर क्या किया, पश्चात आकाश को लाइन दूसरा हो गई थी, थोड़ा ये भूल गया था एक लाइन, देखिए पश्चात आकाशवाण्या देवकी पुत्रेण स्वमृत्यु समाचारम विज्ञाय उभावती कारागारे न्याय क्षयपाक। क्या किया उसने, बाद में आकाशवाणी हुई उसको सुनकर दोनों को उसने जेल में डाल दिया। आकाशवाणी सुनकर दोनों को उसने जेल में डाल दिया। तत्रैव कारागारे श्री कृष्ण जाता, वहीं जेल में श्री कृष्ण का जन्म हुआ, यही कारागार में कृष्ण का जन्म हुआ। अभी अभी आप लोगों ने कृष्ण जन्माष्टमी मनाई होगी, है ना,
और आपको पता होगा श्री कृष्ण का जन्म कब और कैसे और कहाँ किन परिस्थितियों में हुआ था, कि कैसे उनको नंद बाबा के घर ब्रज पहुँचाया जाता है, इन गोकुल सारी चीज़ें आप लोग जानते हैं, पढ़े हैं इसमें ज़्यादा। देखिए आगे, श्री कृष्ण से जन्म भाद्र मास से कृष्ण पक्ष अष्टमिया तिथो मथुरायाम, अष्टमिया तिथि यानी अष्टमी तिथि को हुआ था, इसलिए हम लोग इनकी जन्म अरे मतलब जन्मदिन को क्या बताते हैं, जन्माष्टमी बोलते हैं ना। कह रहे हैं कि श्री कृष्ण का जन्म, श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद यानी भादव महीने के कृष्ण पक्ष की, भाद्रपद यानी भादव महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मथुरा में हुआ था। कहाँ हुआ था? मथुरा में हुआ था। मध्य रात्रि यदायम उत्पन्न जाता जता आकाश आकाशे घटो टोपा मेघाल मेघा मुसलधारा वर्षा कुर्वन। घाटा टोपा माने क्या होता है? घटाओं से घिरे हुए, घटाओं से घिरे हुए। कहें आधी रात को क्या हुआ, अष्टमी को आधी रात में जब श्री कृष्ण का उत्पन्न हुए, श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ, तब आकाश में घटाओं से घिरे हुए, तब आकाश में घटाओं से घिरे हुए मेघों ने मूसलाधार वर्षा की, उस समय मूसलाधार वर्षा की उस समय अंधकूर रात थी। यानी कहने मतलब जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ, आकाश में पूरे आकाश में चारों तरफ आकाश में घटाओं से घिरे हुए मेघों ने यानी भयंकर बारिश हो रही थी, कहा जाता है मूसलाधार वर्षा हो रही थी, और रात्रि एकदम अंधकार से पूर्ण थी, रात एकदम अंधेरी रात भरी हुई थी। परम वसुदेव पुत्र से रक्षात सजो सदो जातम तम आधाय उत्ताल गंगा यमुना उत्तीर्ण गोकुल नंदग्राह प्राप्य। सदो जातम मन नवजात पैदा हुआ, इन तुरंत पैदा हुए। आदाब माने लेकर, उत्ताल तरंगाम माने ऊंची ऊंची लहरों वाली, उत्ताल तरंगाम तरंग माने होता है लहरे, उत्ताल मतलब ऊंची ऊंची, ठीक ऊंची ऊंची लहरों वाली, उत्तीर माने पार करके, उत्तीर माने पार करके। देखिए क्या किया उन्होंने, परम वासुदेव पुत्रस्य रक्षार्थ सतो जाताम तम आदाय उत्ताल तरंगाम यमुनाम उत्तीय गोकुल नंदग्राम प्राप्य। क्या किया उन्होंने, के वासुदेव ने उत्पन्न हुए पुत्र की रक्षा के लिए, वासुदेव ने उत्पन्न हुए पुत्र की रक्षा के लिए, परम वासुदेव पुत्र से रक्षात सदोजा मीन तो उत्पन्न हुए, तुरंत उत्पन्न हुए अपने पुत्र की रक्षा के लिए वासुदेव ने उसको लेकर, तुरंत अपने पुत्र को लेकर ऊंची लहरों वाली यमुना को पार कर, ऊंची लहरों वाली यमुना को पार कर गोकुल में नंद के घर पहुंचाया, गोकुल में नंद के घर पहुंचाया। श्री कृष्ण जनाना नाम हृदय वल्लभ अभवत, हृदय वल्लभ मतलब हृदय के प्रिय, हृदय वल्लभ मतलब हृदय के प्रिय। तत्र बाल्यादेव श्री कृष्ण जाने नाम हृदय वल्लभ अभवत, और वहाँ बचपन से श्री कृष्ण मनुष्यों के हृदय में प्रिय हो गए। यानी इस प्रकार गोकुल पहुँच गए अयोध्या, और वहाँ पर सबके हृदय में वो रच बस गए, अपनी नटखट लीलाओं से, अपनी क्रिया कलापों से सबके हृदय में बस गए। देखिए आगे, बाल्यकाले अयम स्वसौंदर्येण बालीलाया च सर्वेषां जनना मनांसि अहरत। बाल्यकाले अयम स्वसौंदर्येण बालीलाया च सर्वेषां जनना मनांसि अहरत। बाल्यकाले जानते हैं बचपन में इन्होंने यानी श्री कृष्ण ने अपने सौंदर्य से, बाललीला से सभी मनुष्यों के मन को मोहित कर लिया, सभी मनुष्यों के मन को मोहित कर लिया है ना। बाल्यकाले अयम स्वसौंदर्येण इन्हीं अपनी सुंदरता से,
अपने सौंदर्य सुंदरता अपनी सुंदरता से बाल लीला और बाल लीला से यानी बाल क्रीड़ा जो तमाम तरह की वो रास लीला करते थे बाल लीला से चाह सर्वेशम यानी सभी जननाम मनासी यानी सभी लोगों के जन्म माने लोग ये सभी लोगों के मन को आकर्षित कर लिया या मन को मोहित कर लिया। देखिए आगे कापी गोपिका तम अंगे निधाय स्वग्रहम नियति क्या दिया है कापी गोपिका तम अंगे निधाय स्वग्रहम नियति कोई गोपिका उन्हें गोदी में लेकर अपने घर ले जाती स्वग्रहम नियति यानी कोई गोपिका उनको गोदी में उठाकर अपने घर ले जाती अपरातम दुग्ध पेयवती अपरातम दूध भी दूसरी उन्हें दूध पिलाती दूसरे उन्हें दूध पिलाती अन्य च तस्मै नवनीतम ददाती नवनीतम मतलब मक्खन नवनीतम माने मक्खन और कोई दूसरी गोपी अन्य कोई गोपी उसे मक्खन देती यानी कोई उसे ले गोदी में उठाकर अपने घर प्रेम से लेकर चला गया बढ़िया खिलाते पिलाते अपने घर ले गया बढ़िया कोई और है ले गए अपने घर बढ़िया दूध पिलाती है मक्खन खिलाती हैं इन सभी प्रकार से सब उनसे बहुत प्रेम करते हैं सब उनकी कोई ना कोई सेवा करने में लगे हैं। देखिए श्री कृष्ण प्रेमणा दत्तम दुग्धम पीबती श्री कृष्ण प्रेम से दिया गया दूध पीते हैं श्री कृष्ण प्रेम से दिया गया दूध पीते हैं नवीनतम च खा जाती और मक्खन खाते हैं और मक्खन खाते हैं अवसरम प्राप्य स्वमित्रे अवसर प्राप्य स्वमित्रे गोपय सह कस्मिंचन गृहे प्रविशति ददाति खाति और अवसर पाकर वो क्या करते हैं अपने मित्रों के साथ अपने मित्र ग्वालों के साथ किसी के घर में घुसकर दही खाते हैं वो अवसर पाकर अपने मित्रों के साथ किसी घर में घुस जाते हैं और बढ़िया वहाँ दही खाते हैं और मित्रों को भी देते हैं गृह प्रवासी दही खा जाती मित्र भेम दे जाती यानी मित्रों को देती हैं अवशिष्ट दधि भूमो अपत्यती यदा कदा दधि भांड चा त्रोटियती यदा कदा दधि भांड चा त्रोटियती क्या करते हैं वो लोग खाते भी हैं मित्रों को देते भी हैं और शेष दही को जमीन पर गिरा भी देते हैं भूमि पर गिरा देते हैं और कभी कभी तो दही के बर्तन यानी मटकी को ही फोड़ देते हैं तोड़ देते हैं एतत् सर्व कुर्वतो अपि तस्य शीलेन सौंदर्येण च प्रभावति एतत् सर्व कुर्वतो अपि एतत् सर्व कुर्वतो अपि तस्य शीलेन सौंदर्येण च प्रभावितः तस्य शीलेन सौंदर्येण च प्रभावितः न कोऽपि तस्मै क्रोध्यति परम सर्वे तस्मिन् स्निग्धन्ति। देखिए क्या करते हैं यह सब करते हुए भी उनके शील यह सब करते हुए भी उनके शील और सौंदर्य से प्रभावित उनके शील और सौंदर्य से प्रभावित हुआ कोई भी उन पर क्रोध नहीं करता है अर्थात सब जानते हैं कि यह सब श्री कृष्ण कर रहे हैं लेकिन फिर भी कोई उन पर क्रोध नहीं करता है अभी तो सब उनसे बल्कि सब क्या करते हैं उनसे स्नेह करते हैं प्रेम करते हैं। देखिए आगे अनंतरम श्री कृष्ण गोपालय सह वना गत्वा गा चारयति चारयति देखिए कुछ दिन बाद इसके पश्चात जब थोड़ा से बड़े होते हैं अनंतरम मतलब बाद में क्या करते हैं वो इसके पश्चात श्री कृष्ण ग्वालों के साथ वन में जाकर गायों को चराते हैं बाद में श्री कृष्ण ग्वालों के साथ वन जाकर गायों को चराते हैं गायों को चराते हैं देखिए आगे तत्र च वेणु दवादयति वेणु माने बांसुरी वेणु माने बांसुरी वेणु माने और वह बंसी यानी गायों को जा चराते हैं और बंसी
बजाते हैं। अनेन सर्वा गावः गोपालस्य सर्वाणि कार्याणि विहाय तस्य वेणुवादनं श्रवन्ति। इसे सभी गाय और ग्वाल वाले समस्त कार्यों को छोड़कर उनका बंसी वादन सुनते हैं। जब वो बंसी बजाते हैं सभी गाय और ग्वाल बाल वाले समस्त कार्य छोड़कर सब लोग उनका बंसी वादन उनका बंसी बजाना सुनते हैं, उनके बंसी के मधुर तान को सुनते हैं। महाकवि व्यास संस्कृत भाषायाम भक्त कवि सूरदास हिंदी भाषायाम तस्य बालीलया अति सुंदरम वर्णम अकरोत्। महाकवि व्यास ने संस्कृत भाषा में तथा भक्त कवि सूरदास ने हिंदी भाषा में उनकी बाललीला का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। महाकवि व्यास ने संस्कृत भाषा में तथा भक्त कवि सूरदास ने हिंदी भाषा में उनके बाललीला का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। देखिए आगे, आप लोगों ने सूरदास का पढ़ाई है बाल लीला वर्णन। देखिए आगे क्या है। यदा अयम बाला एक असीत एव असीत तदा कंस तन हंतु क्रमशः बहुन रक्षासान प्रस्यत। यदा प्रयस माने होता है प्रस्यत माने भेजा। यदा अयम बाला एव असीत तदा कंसा तम हंतु क्रमशः बहुन रक्षासान प्रदे। जब ये बालक थे किशोरावस्था में आपकी जैसे, तब कंस ने उन्हें मारने के लिए एक के बाद एक बहुत से राक्षसों को भेजा है। छोटे से ही बचपन से ही जब छोटे तभी से एक से पढ़कर एक राक्षस कंस भेजता है उनको मारने के लिए, है ना। पर श्री कृष्ण स्वकौशलेन सौरेण चता सर्वण अहम। परंतु श्री कृष्ण ने अपने कौशल और पराक्रम से उन सबको मार दिया सा न केवलम रक्षसेभ्य अपितु अन्याभ्य विपदभ्य गोकुलवासिनो जना रक्षसे। उन्होंने न केवल राक्षसों से अपितु अन्य विपत्तियों से यानी कई प्रकार की परेशानियों से गोकुलवासियों की रक्षा की। एकदा वर्षा काले गोकुला यमुना जलम वेगेन अवर्धत। एक बार क्या हुआ, वर्षा ऋतु में गोकुल में यमुना का जल तेजी से बढ़ने लगा। तब श्री कृष्ण ने अपने प्राणों की चिंता न करके क्या किया। तथा श्री कृष्ण स्व प्राणाम अभिज्ञनम स्वयं गोकुल निवासी में बच्चे। तब श्री कृष्ण ने अपने प्राणों की चिंता न करके यानी बिना परवाह किए हुए सभी गोकुलवासियों की रक्षा की। जानते हैं आप लोग उन्होंने कैसे खुद मूसलाधार बारिश हो रही थी तेज बारिश, अपने एक उंगली से उन्होंने गोवर्धन पर्वत को छाते की तरह धारण कर लिया था, पता है ना। देखिए आगे, एवमेव संदीप्ति वहम अयम सर्वान। इसी प्रकार आग लगने पर इन्होंने सब पशुओं गोपालान जैसा आचरित सब पशुओं और गोपाल यानी ग्वाल बालों का सबकी रक्षा की। एवं निरंतर गोकुलवासी नाम जनानाम कृष्टियाम निवाते। इस प्रकार उन्होंने गोकुलवासियों के कष्टों का निवारण करते हुए तेषाम हृदय पदम धारयात उनके हृदय में स्थान बना लिया अतः श्री कृष्ण बाल्या काले देव स्वमित्व गुणे परोपकार्यम भावना चा लोकप्रियता। अतः श्री कृष्ण बचपन से ही
अपने उत्तम गुणों और परोपकार की भावना के कारण लोकप्रिय हो गए। आइए, ये था आपका चैप्टर श्री कृष्ण गोपाल नंदन। होमवर्क आप लोग कंप्लीट ही कर रहे हैं, काफ़ी चेक होगी सबकी। देखिए अब इसमें अभ्यास प्रश्न दिया हुआ है, पहले शुरू करते हैं पाठ पर आधारित प्रश्नों से। ठीक, यहाँ से शुरू करिए, देखिए क्या क्या करना है आपको। कॉपी में होमवर्क आपका क्या है वो नोट कर लीजिए, क्या क्या करना है। देखिए पहले दिया निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। श्री कृष्ण काशी, ये तो पता ही है आपको, पहली ही लाइन में दिया है श्री कृष्ण लोकोत्तरो महापुरुषा आसी, दिया है ना पहले ही लाइन में, श्री कृष्ण लोकोत्तरो महापुरुषा आसी, श्री कृष्ण एक अलौकिक महापुरुष थे। हो गया, कोई दिक्कत? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री कृष्ण जन्म कुत्र हुआ, यानी श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ। श्री कृष्ण से जन्म मथुरायाम, श्री कृष्ण जन्म मथुरायाम कंसस कारागारे अभवत, यही तो पढ़े थे ना। श्री कृष्ण का जन्म कंस के यहाँ मथुरा में कंस के कारागारे जेल में हुआ था। श्री कृष्ण कुत्र जाता है, श्री कृष्ण कुत्र जाता है, देखिए क्या दिया है। श्री कृष्ण कुत्र जाता किस यदुवंशी, यदुवंशी, देखिए नेक्स्ट क्या है। श्री कृष्णस यदुवंशी, ठीक है, श्री कृष्ण कुत्र जाता, ये दिया हुआ है ना, श्री कृष्ण मातुल कंस अत्याचारी से पूर्व चौबीन देवी अठोर पश्चाम देव की पुत्र स्वामी विज्ञानी कारागार में छपी तत्व जाए, ये दिया है ना। श्री कृष्ण का श्री कृष्ण पुत्र जाता, श्री कृष्ण कारागारी जाता, ठीक है। श्री कृष्ण से जन्मतिथि रात्रि की दृश्य असीत, श्री कृष्ण जन्मतिथि रात्रि की दृश्य असीत, रात्रि कैसे दिख रही थी इस समय, जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो रात कैसे था, पढ़े थे ना। श्री कृष्ण जब उत्पन्न हुए तो आकाश में चारों तरफ घटाएं यानी मूसलाधार बारिश वगैरह सब हो रही थी, इसे पढ़े थे ना। कहाँ गया, ये दिया है मध्य रात्रि, देखिए तीसरे पैराग्राफ में दिया है मध्य रात्रि यदा उत्पन्न, यदा क्या दिया है, यदा ये दिया ना उत्पन्न जाता है तथा आकाशे घटोपना मेघा मूसलधारा वर्षा अकुर्वन, ये दिया है ना, इसी को लिखना है आपको। ये लिखेंगे कैसे, क्वेश्चन सॉल्व मिला लेंगे। यदा श्री कृष्ण उत्पन्न जाता है तथा आकाशे घटोपा मेघा मूसलाधारा वर्षा अकुर्वन और च अंधकार रोड़ा आसी, इतना आपको ऐसे कंप्लीट करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, वसुदेवेन कृष्ण से रक्षा कृत्वा, वसुदेव ने कृष्ण की रक्षा किस प्रकार की, वासुदेव ने श्री कृष्ण की रक्षा किस प्रकार की, वासुदेवेन कृष्णम गोकुले नंदग्रह मित्रवासुदेव तत् रक्षति, यानी कृष्ण ने क्या, सॉरी वासुदेव जी ने क्या किया, कृष्ण को गोकुल ले जाकर नंद बाबा के घर में छोड़ दिया और इस प्रकार से उन्होंने कृष्ण की रक्षा की। आकाशवाणी सुत्वा कंस की मकरोत, आकाशवाणी सुनकर कृष्ण ने, अरे सॉरी कंस ने क्या किया, आकाशवाणी सुत्वा कंस की मकरोत, आकाशवाणी सुनकर कंस ने क्या किया, यही पढ़े थे ना। आकाशवाणी को सुनकर श्री कृष्ण ने अपनी बहन देवकी और वासुदेव यानी अपनी बहन और बहनों की दोनों को जेल में डाल देता है। आकाशवाणी सुत्वा कंस वासुदेव, आकाशवाणी सुत्वा कंसा वासुदेवम देवकी चा कारागारे में छिपत, मैंने उन दोनों को कारागार में डाल दिया। संस्कृत भाषायाम कृष्ण से बाललीलाएं वर्णन केम करते हैं, संस्कृत भाषा में कृष्ण की बाललीला का वर्णन किसने किया है, अभी पढ़े थे महर्षि व्यास ने, किसने किया है, महर्षि व्यास ने। श्री कृष्ण कथम लोकप्रिय अभवत, श्री कृष्ण कथम
लोकप्रिय अभद श्री कृष्ण स्वय दिया है। श्री कृष्ण स्वतमय यानी श्री कृष्ण लोगों में किस प्रकार प्रसिद्ध है। श्री कृष्ण स्वमित्व गुणय परोपकारा भावनाया चा लोकप्रिय अभद यानी श्री कृष्ण अपने सुंदरता उत्तम गुण और परोपकार की भावना के कारण लोगों में लोकप्रिय हैं। कंस की दृश्य शासका आसीत। कंस कैसा शासक था? कंस लिखेंगे कैसे? कंस अत्याचारी शासका आसीत। कैसा था? अत्याचारी शासका आसीत। अत्याचारी तो था ना, ये दिया हुआ है ना। श्री कृष्ण मातुल्य कंस अत्याचारी आसीत। श्री कृष्ण के गुणेन जनानाम मानसी यानी श्री कृष्ण के कौन से गुण लोगों के मन को हर लेते थे। श्री कृष्ण के गुणेन जनानाम मानसी अहरत। श्री कृष्ण के कौन से गुण लोगों को हर लेते थे या अपने मन को मोहित कर लेते थे। ये दिया हुआ है, देखिए देखिए जहाँ पढ़ रहे थे अभी वहाँ देखिए थोड़ा, ये दिया हुआ है ना, तीसरा पैराग्राफ दिया ना, बाल्यकाले अयम स्वसौंदर्येण बाल्यलीलायां च सर्वेषाणां जनानां मनांसि अहरत। यानी बाल्यकाल में श्री कृष्ण अपनी सुंदरता और अपनी बाल्यलीला के कारण लोगों के मन को हर लेते थे, लोगों के मन को मोह देते थे। ये था, हो गया आपका क्वेश्चन आंसर। ठीक, नहीं समझ में आया तो आपको ये बढ़िया दिया हुआ है पूरा पैर ऐसे आराम से पढ़िए, रिवीजन करिए और उसका क्वेश्चन आंसर ढूंढिए। देखिए आगे दिया अवतरण अनुवाद। निम्नलिखित अवतरणों का संदर्भ हिंदी में अनुवाद करिए। यह अवतरण जो दिए गए हैं पैसेज टाइप बना के पैराग्राफ बना के, इनको आपको क्या करना है, हिंदी में अनुवाद करना है। पहले संदर्भ लिखना है, प्रस्तुत संस्कृत खंड हमारे कृष्ण गोपाल नंदन, प्रस्तुत संस्कृत पंक्तियाँ हमारे कृष्ण गोपाल नंदन नामक पाठ से अवतरित किए गए, ये सब लिख के उसके बाद इसका क्या करना है, अनुवाद करना है। जितने पैराग्राफ दिए हैं उतने पैराग्राफ आपको अनुवाद करना है हिंदी में। ठीक, जैसे हिंदी का करते हैं उसी प्रकार इसका। देखिए आगे नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करिए। ये जो वाक्य दिए गए हैं, श्री कृष्ण लोकोत्तर महापुरुष थे, श्री कृष्ण अवलौकिका महापुरुषा असीत। इसका आपको हिंदी वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद करना है। इसके बाद देखिए क्या दिए, सभी का करना है, सभी जितने दिए हैं। ठीक है, इसके बाद यह व्याकरण संबंधी प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों की संधि विच्छेद कीजिए। अत्याचारी उभावपी लोकोत्तरा समोत्तमा, संधि विषय तो कर लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं। अत्याचारी है ना, अति प्लस आचारी, अति होगा। उभावपी लोकोत्तरा स्वतमया परोपकारा। फिर अगला दिया, निम्नलिखित पदों का समास विग्रह कीजिए। नंदग्राम यानी नंद बाबा का घर, मृत्यु समाचारम यानी मृत्यु का समाचार, अंधकार कूड़ा यानी अंधकार से भरा हुआ, दधि भांडम यानी घड़ा जिसमें रखते थे मक्खन, वो यानी दही रखने का, गोकुलवासियाँ गोकुल के निवासी, लोकप्रिय लोगों में प्रिय, इस प्रकार इसका समास विग्रह कर लेना है। देखिए आगे क्या है, आकाश सूर्य और अग्नि के तीन तीन पर्यायवाची शब्द आपको लिखना है। इसमें मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए पर्यायवाची में। फिर दिया निम्नलिखित धातु रूपों के धातु लकार पुरुष और वचन बनाना, जैसे पीबतु गच्छेद करिष्यामि अति नेति, इन सबको आपको क्या बनाना है बताना है, इसका धातु कौन सा है। धातु तो जानते ही ना, लट लगा लोट लगा लंग लगा लिंग लकार कौन सा है, लिट लगा कौन सा है, ये आपको बताना है लकार, और धातु कौन सा है
जैसे ये दिया है ना गच्छेद है, जैसे गम धातु, कौन सी धातु का है, गम धातु है, जैसे पिबतु पिब धातु, ऐसे ही आपको बताना है, जैसे अपठन पट धातु, ये बताना है आपको कि कौन किस धातु का है। लकार तो लिख लकार लोट लकार पता ही है, पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष प्रथम पुरुष, ऐसे है ना तीन, प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, तीन पुरुष होते हैं, तो आपको ये बताना है कि कौन सा पुरुष है इसमें। और वचन एक वचन द्विवचन और बहुवचन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित अवयव शब्दों के हिंदी में अर्थ लिखिए, जैसे कथम यदा कदा अत्र व्रत्र यहाँ वहाँ, ये शब्द दिया हुआ है ना, ऐसे ही है, यही शब्द है इनमें, इनका आपको मीनिंग लिखना है, यानी शब्दार्थ लिखना है, इसका हिंदी में लिखना है, इतना काम आपको कंप्लीट करना है घर पे। तो याद रखिए होमवर्क सभी का जितना बताया जा रहा है होमवर्क सबका कंप्लीट मिलना चाहिए, ठीक है। अब अगली क्लास अगले दिन पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम।